आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीश बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और यह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था।
और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आमतौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में दिखाया जाता है राज किशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था, और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे, और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बदलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं, जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है, और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त हुए चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं, और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है, और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है
बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है। तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा
ने एक्शन दृश्यों और सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रदर्शन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे, इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनेना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रजेंट कर दी गई थी जो कि आपको हंसी नहीं आती है और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और यो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में यो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं।
वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादितकर्ता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, इसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो फिल्म में दिखाया जाता है राजकिशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंट भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी का परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है, यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है जो बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है
और उनकी निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज, जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दाव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जानवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त वह चाह रहे थे और जानवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं, जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है, जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं। और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिग्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो
21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहां के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रदर्शन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनैना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती कुछ जगह पर ओवर डिफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रजेंट कर दी गई थी जो कि आपको हंसी नहीं आती है और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे।
और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल पाँच गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को, एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीश बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डिक ग्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीश बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीश बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीश बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी, उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ज़्यादा विफल साबित रही थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है।
बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में दिखाया जाता है राज किशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी का परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था, और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था। और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे, और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं। और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं, और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है, और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था, और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनकी बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है, और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है, और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है, और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त वह चाह रहे थे, और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं, जहां पर काव्या से मिलते हैं, और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है, जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है, और तीनों ही पैसे चुराते हैं। और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं, और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं, और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं, तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं, तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है, और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है, बल्कि भारत से चुराया गया है, और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था, वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है, और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और
राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था, और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे, और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं, और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था, और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियाँ भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था, और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली सेठ के रूप में काम किया गया था, और बुल्ली सेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे, और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिग्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे, और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी, और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था, और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है, और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी, और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था, और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था, जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे, और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए, जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाज़ारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था, और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर, रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था, और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है, और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी, और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था, और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे, और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़ने बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था, और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी, और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी, लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई, और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों, सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज़ 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी, और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी, और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था।
आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे, इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनैना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे, लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक लिखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था।
मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और यो यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पेनोरोमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पेनोरोमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आमतौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, इसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो फिल्म में दिखाया जाता है राजकिशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसा कर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे जो कि वाईफाई के दौरान बदलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं, जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं।
इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त हुए चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं। और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है। तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जाह्नवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियाँ भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहां के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था।
ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप फाइव म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था। और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी। और इसी के साथ में टीम ने दो भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे। और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी। लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रदर्शन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनेना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे, लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी जहाँ कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और यो यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और यो यो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में यो यो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठग रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह
49 करोड़ बतलाई जाती है और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादितकर्ता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, इसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो फिल्म में दिखाया जाता है राजकिशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंट भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी का परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है, यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की
बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बदलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जानवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनकी बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज, जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जानवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त वे चाह रहे थे और जानवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं, जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है, जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं। और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है और राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे।
फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली सेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली सेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाज़ारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रदर्शन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनैना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे
बहुत बेकार फिल्म बतलाया था, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था। और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी, जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योजो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे। और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योजो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योजो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था। और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल पाँच गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को, एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी, उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है।
फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाए थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में दिखाया जाता है राज किशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी का परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था, और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था। और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे, और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है, और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है, और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त वह चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं, और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है, और तीनों ही पैसे चुराते हैं और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं।
राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है। और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है। और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था। और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे। और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था। और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियाँ भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था। और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली सेठ के रूप में काम किया गया था। और बुल्ली सेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे। और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिग्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जॉनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी। और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था। और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी। और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था, जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे। और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए, जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था। और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर, रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था। और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है। और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी। और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे।
और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी। लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनैना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे, लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रजेंट कर दी गई थी जहाँ की आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक लिखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी।
आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और यो यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इसकी फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो फिल्म में दिखाया जाता है राजकिशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है, यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसा कर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ़ बनाया गया था और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है।
वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त हुए चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुँचने के साथ यह समाप्त हो जाती है और राज जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राज किशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जाह्नवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था।
वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृतिक हरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहां के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाज़ारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों, सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका सिकरण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनेना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे
बहुत बेकार फिल्म बतलाया था, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था। और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायरेक्शन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी, जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और यो यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे। और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और यो यो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में यो यो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था। और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल पाँच गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को, एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीश बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और यो यो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है।
फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में दिखाया जाता है राज किशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटू कंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी का परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था, और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था। और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे, और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाईफाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं, और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था, और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है, और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है, और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है, और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त वे चाह रहे थे, और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं, और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं, जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है, जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है, और तीनों ही पैसे चुराते हैं और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं।
राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है। और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है। और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था। और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे। और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था। और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था। और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था। और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे। और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिग्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी। और फिल्म अप्रैल 2019 में बजमी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था। और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी। और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था, जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे। और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए, जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था। और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था। और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है। और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी। और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे।
और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी। लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों और सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी हंसी का पूरा मजा लेंगे, इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनैना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे, लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी, जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी।
आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादित करता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है। फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो फिल्म में दिखाया जाता है राज किशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटूकंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उद्यम में वह तिकड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है, यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ बनाया गया था और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे साथ तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं।
जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे जो कि वाईफाई के दौरान बतलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेष के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज, जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त हुए चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं। और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं। राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जाह्नवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियाँ भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था।
वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, कृतिक हरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जॉनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहां के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनेना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे
बहुत बेकार फिल्म बतलाया था, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था। और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायरेक्शन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी, जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे। और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था। और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल पाँच गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठग रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ, कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है। और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी। आज की वीडियो में जानने वाले हैं पागलपंथी मूवी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड मूवी की स्टोरी लाइन और फिल्म की पूरी डिटेल जानकारी के बारे में। साथ ही साथ इस फिल्म को एक मूवी की स्टोरी को हम आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिल्म की एक पॉजिटिव रिव्यू देंगे कि यह फिल्म आपके लायक है कि नहीं, फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ फिल्म की पूरी डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस और फिल्म का डिटेल, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। पागलपंथी यह फिल्म अनीस बामजी के द्वारा निर्देशित और पैनोरमा स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के द्वारा इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर तले बनाई गई, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार के द्वारा निर्मित 2019 की यह भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी में हमें अनिल कपूर, जॉन इब्राहम, इलियाना डी क्रूज और अरशद वारसी के साथ में उर्वशी रौतेला और पुलकित सम्राट जैसे बेहतरीन किरदार इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मूवी मुख्य किरदार बहुत ही अच्छी खासी निभाई गई है और फिल्म में बहुत ही स्टार कास्ट को जोड़े गए हैं, इसी वजह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड भी हो जाती है। फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा था। मूवी के निर्देशन इस फिल्म का अनीस बामजी ने किया है और मूवी को लेखन, मूवी का इस फिल्म की स्टोरी लाइन को अनीस बामजी और राजीव कौल के साथ में प्रफुल्ल पारेख के द्वारा लिखा गया है और इनका संवाद को अनीस बामजी ने ही किया है। फिल्म की उत्पादन कंपनी उत्पादितकर्ता की बात करें तो मूवी को भूषण कुमार, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार के साथ में कुमार मंगत पाठक ने इन सभी को मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है। मूवी का छायांकन सुनील पटेल के द्वारा और मह फिल्म प्रशांत सिंह राठौड़ के द्वारा संपादित करी जाती है। फिल्म का म्यूजिक जो है वो साजिद वाजिद ने दिया था और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी ने फिल्म में म्यूजिक दिया था। फिल्म की उत्पादन कंपनी टी सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो रही थी और फिल्म का वितरण हमें इरोस इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था और पैनोरमा स्टूडियो के द्वारा। फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स के द्वारा वितरित करी गई थी और फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2019 को इस फिल्म की रिलीज डेट रहती है।
फिल्म की रनिंग टाइम 150 मिनट के आसपास बतलाया जा रहा है और फिल्म को हमें भारत में हिंदी भाषा में टोटल 72 करोड़ के बजट पर तैयार करके बनाया गया था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा विफल साबित रही थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मात्र 49 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। और मूवी की मुख्य फोटोग्राफी जो थी वो 17 फरवरी 2019 को लंदन में शुरू हुई थी और यह 22 नवंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इस फिल्म को आलोचकों के द्वारा आम तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से उनके लेखन की आलोचना करी गई थी। हालांकि सभी किरदार ने बहुत ही अच्छे खासे एफर्ट इस फिल्म में लगाई थी और यह फिल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स इस फिल्म को देखने को मिलता है। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो फिल्म में दिखाया जाता है राजकिशोर एक बुरी किस्मत से त्रस्त होता है, जो उसके लंबे समय के साथ में उसके दोस्त जग यानी जंकी मोहन और चंद्र टंटूकंठ भी उसका अनुसरण करता है। किसी भी काम को उधम में वह तिकड़ी के परिणाम स्वरूप नुकसान या असफलता ही उनके कामों को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पटकथाओं पटाखों की दुकान में भी उद्घाटन के ही दिन वह जल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही थी। इसी के साथ में तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसा कर एक नया पैकेज डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया था और जो कि बैंक का ऋण दिलाकर बेवकूफ़ बनाया गया था। और उन्होंने इसी तरह पहले ही दिन उन्हें मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें हवा दी कि अपने पैसे वापस मांगे थे और वे तीनों लोग ही तिकड़ी भाग जाते हैं और अनजाने में कहीं वह पहले डिलीवरी कर देती है, जिसकी वजह से जाह्नवी के एक महंगी स्पोर्ट कार और गैंगस्टर राजा साहब की बेटी वाई फाई भाई और हमें राजा की बहनोई का किरदार भतीजी और वे कार को नष्ट हालत में पहुंचाते हैं, जिस वजह से राजा साहब और उनके गुंडे के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और सुझाव के लिए वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं और वो राजा साहब के ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें नियुक्त करने के लिए मना लेते हैं। इसी के साथ में किशोर के एक बुरे भाग्य से अवगत होता है और प्रयोज के नौकरों के रूप में वे कार्यरत हो जाते हैं। जंकी चंदू का उपयोग करके वे भोजन प्रशिक्षण के लिए उन्हें काम पर दिया जाता है और वे राज साहब के रूप में हमें दिखाए गए थे, जो कि वाईफाई के दौरान बदलाए जाते हैं। राजा के दौरान उन्हें उनके फंदे में कार्यरत दिखाया गया था और मूवी की प्रतिक्रिया के दौरान चंदू और जाह्नवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने यात्रा के कार्य के दौरान वे पुराने दुश्मन टिल्लू और उनके बुल्ली शेठ के काफिले पर हमला किया जाता है और यह खुलासा करते हुए कि वाईफाई भाई एक कायर है और उनके निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी कर्ज लेने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए थे, वे प्रत्येक पार्टी को 700 करोड़ निवेश करने की पेशकश देते हैं और संघर्षों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। जबकि खराब किस्मत के बाद निरंतर झटके से राज, जंकी और चंदू अंत में एक अलग से आग पैदा कर देते हैं, जिससे पैसों के पूरे ढेर को जला देती है और अपने बचे हुए पैसे बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई तीनों भाई के रूप में भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुनते हैं और उनके साथ में दाव लगाया जाता है और जो बदले में दौड़ हार जाता है। और इसी के साथ राजा साहब और वाईफाई का एक भाई उनका भुगतान करने में असमर्थ और जाह्नवी को संजना के साथ में उनके चाचा के साथ तीनों भाग मिलकर निकलते हैं। एक समूह को गोद में टक्कर देने पर समाप्त हुए चाह रहे थे और जाह्नवी के होंठ चंदू के गालों के चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा और उनके पीठ पर चिपक जाते हैं। और इसी के साथ में परित्यक्त हुए घर पहुंचते हैं, जहां पर काव्या से मिलते हैं और अभिनय करियर की शुरुआत में स्वीकृति का सामना करने के बाद वे भूत के रूप में वहाँ पर रहती है। वहाँ पर राज को गलती से तहखाने का पता चलता है, जहाँ पर नीरज अपने नकली भंडार रखा होता है और तीनों ही पैसे चुराते हैं और राजा साहब वाईफाई के घर भाई के घर पहुँचते हैं और उन्हें भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मार डाला जाने वाला होता है। वे पैसे का निपटारा करते हैं और नीरज की सेवाओं और संपत्ति को खरीद लेते हैं और तीनों ही पैसे को चुराते हैं।
राजा साहब और वाईफाई के घर जब पहुंचते हैं तो उन्हें भुगतान न करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी के साथ में जब वे भुगतान न करने के लिए नीरज के द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो इसका निपटारा करते हैं, नीरज की संपत्ति को खरीद लेते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसी की संपत्ति खरीदने के लिए उसी के पैसे चुरा कर उस पर हमला कर दिया है। और वह राजा साहब के घर आता है और उन सभी को मारने की धमकी देता है। और वे सभी राज को याद दिलाते हैं कि पैसा उसका अपना नहीं है बल्कि भारत से चुराया गया है। और राज खुद उन बैंकों में से एक पूर्व कर्मचारी है, तो इस वजह से जिनसे नीरज ने कर्ज लिया था वह इस तरह से नीरज के वजह से नौकरी गंवाने के लिए लोगों में भी एक राज रही थी। राज नीरज के गुंडों के लिए अपने पैसे रखने के लिए भी कहता है और भागे हुए तीनों शेरों के साथ में एक झड़प शुरू हो जाती है। और इसी के साथ नीरज को हिरासत लेने के लिए जासूसों के साथ में पहुंचने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और राज जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई के साथ में अपने मतभेदों को सुलझते हैं और वे हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी को एंड कर दी जाती है। फिल्म में जो वाईफाई भाई के रूप में दिखाए गए थे वो हमें अनिल कपूर का किरदार निभाया गया था। और इस फिल्म में जॉन अब्राहम राजकिशोर के रूप में हमें दिखे थे। और जग यानी जंकी मोहन का किरदार जो था वो अरशद वारसी ने निभाया था। फिल्म में पुलकित सम्राट इस फिल्म में चंद्र यानी चंटू कंठ के रूप में इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। और मूवी में हमें लीड रोल में एक्ट्रेस संजना पॉल के रूप में इलियाना डिग्रूज की भूमिका देखी जाती है। फिल्म में जानवी सिंह के रूप में कृति खरबंदा ने किरदार को प्ले किया था। और मोना घोष शेट्टी के रूप में कुछ संपंक्तियां भी बतलाती है। काव्या प्रताप के रूप में उन्होंने उर्वशी रौतेला ने काम किया था। और सौरभ शुक्ला हमें राजा सिंह उर्फ राजा साहब के रूप में दिखे थे। फिल्म में एना मोलक और नीरज मोदी के रूप में हमें जाकिर हुसैन और तुल्ली शेठ के रूप में काम किया गया था। और बुल्ली शेठ के रूप में अशोक समर्थ ने किरदार को प्ले किया था। वहीं इस फिल्म में ब्रिजेंद्र कला ने मिस्टर पॉल उर्फ मामा जी के रूप में हमें इस फिल्म में भूमिका को दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी इस फिल्म में बाबा जॉनी के रूप में दिखे थे। और डॉली बिंद्रा श्रीमती सिंह और राज साहब की पत्नी की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक बेहतरीन थी। मूवी में उर्वशी रौतेला ने एक अच्छा काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। फिल्म में उर्वशी रौतेला कृति खरबंदा और अनिल कपूर के साथ इलियाना डिक्रूज फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान मिले थे और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हमें को मिलती है। इसी के साथ में उनकी एक अच्छी फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमेडी फिल्म के जोनर में रिलीज होने वाली थी। पागलपंथी फिल्म की घोषणा जो है वो 21 सितंबर 2018 को करी गई थी। और फिल्म अप्रैल 2019 में बज्मी ने लंदन में शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा किया था। और एक बयान में उन्होंने कहा कि लंदन में शूटिंग करने वाली किसी रोलर कोस्टर साइड से कम नहीं है और वहाँ के मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ मुश्किलें आई थी। और मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की फरवरी 2019 में लंदन में शुरू हो गई थी। यह फिल्म लंदन के शूटिंग 2 महीनों तक चला था और फिल्म अप्रैल 2019 के अंतिम सप्ताह में दिखलाया गया था, जिसे मुख्य फोटोग्राफी शामिल रही थी। मुंबई में फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माते समय जॉन अब्राहम घायल भी हुए थे। और फिल्म का प्रोडक्शन के लिए फिल्म फेवस्वरम दृश्य फिल्माए जाए, जहां पर मार्केट स्ट्रीट लंदन में व्यस्त बाजारों में उन्हें दोगुना कर दिया गया था। और गिल्ड हॉल के रूप में आतिशबाजी की दुकान में बादल के द्वारा उन्हें किया गया था। ऐतिहासिक डॉकयार्ड चौथम का इस्तेमाल जो था वो स्लिप 5 म्यूजियम स्क्वायर रेपोरेटरी स्ट्रीट और एंकर वाइट ऑफ के साथ में कार का पीछा करने के लिए दृश्यों को काम किया गया था। और फिल्म में जो थी वो रिलीज से एक दिन पहले सीक्वल की योजना बनाई जाती है। और मूवी निर्माता कुमार मंगत ने कहा था कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो बनने जा रही थी। और इसी के साथ में टीम ने 2 भागों के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म का पहला टीजर जो था वो पोस्टर 18 को जारी किया गया था और अक्टूबर 2019 को उसी के दिन कलाकारों की टुकड़ी के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे थे।
और फिल्म की रिलीज डेट की आगे बढ़े बात की तो इसे 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। और यह फिल्म पागलपंथी फिल्म को आलोचकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली थी। जैसे कि बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और पृष्ठभूमि स्कोर के साथ में छायांकन और उत्पादन के साथ डिजाइन और वेशभूषा की प्रशंसा की थी। लेकिन इस फिल्म की लेखन और निर्देशन के साथ में संगीत और वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा आलोचना करी गई और इसे तक ट्रोल भी की जाने की बात कही गई थी। तो इस वजह से फिल्म की स्टोरी कुछ उतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बिना माइंड लगाए फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी और कॉमेडी वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसी के साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेचा ने एक्शन दृश्यों, सिनेमाटोग्राफी के साथ में लेखन और गाने के कॉम्प्लेक्स और नायिका चित्रण की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी थी। न्यूज 18 की प्रियंका सिन्हा झा ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी और अरशद वारसी के विजेंद्र कला और प्रशंसा के लिए लेखन और नायिकाओं के घिसे पिटे हास्य की आलोचना करते हुए फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी के साथ में फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी और प्रशंसन के लिए एक चुटकुले के साथ में छायांकन और उत्पादनों की मूल्य का प्रशंसा किया था। आलोचना के बाद उद्देश्य लंबाई और लेखन के साथ में संपादन किया गया और द मैजिक पीआर के साथ में फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग और प्रशंसात्मक गीत और लेखन के लिए अंतराल किया गया था। जॉनी पर पैसा लगा दो और पागलपंथी फिल्म गैंगस्टर में साथ में हमें बहुत ही अच्छी भंसी का पूरा मजा लेंगे इस फिल्म के बारे में बतलाया गया था। मिड डे की विनम्र माथुर ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी और इसे अनायास ही हास्यप्रद पाया गया था। और इसी के साथ में बिजनेस टाइम्स के सुनेना ने सरकार ने फिल्म को 5 में से 1.5 की रेटिंग दी थी और इसे महसूस किया कि कुछ दृश्य मजाकिया थे, लेकिन आगे अनिल कपूर के साथ में सौरभ शुक्ला की साझेदारी की प्रशंसा की। और हालांकि समीक्षक ने पटकथा और अच्छी कॉमेडी के पंच लाइनों की कमी की वजह से जबरन गाने की आलोचना इस फिल्म में बहुत ज़्यादा करी थी और इसी वजह से फिल्म को Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 की रेटिंग दी थी और मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए इसे बहुत बेकार फिल्म बतलाया था। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा पसंद किया गया था और जहाँ तक मैंने देखी इस फिल्म को, मुझे यह फिल्म अच्छी लगी थी कॉमेडी भरे सीन्स के साथ में। लेकिन यह कॉमेडी हर जगह पर काम नहीं करती, कुछ जगह पर ओवर डायफिकेशन के साथ में इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट कर दी गई थी, जो कि आपको हंसी नहीं आती है। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव कमेंट्स पास किए जा रहे थे। फिल्म के साउंड अट्रैक्ट एल्बम की बात करें तो साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह के साथ तनिष्क बख्शी और नईम शब्बीर के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक को दिए गए थे। और फिल्म में टोटल म्यूजिक की बात करें तो 17 मिनट के आसपास म्यूजिक रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद और योयो हनी सिंह और तनिष्क बख्शी के साथ में नईम शब्बीर के द्वारा दिए गए थे। फिल्म को शब्बीर अहमद और अतफाक महफूज के साथ में योयो हनी सिंह और डैनिश साबरी के द्वारा लिखे गए थे। और मूवी में प्यार किया तो डरना क्या, इस संगीत पर तुम हम हैं और आते हैं, इन सारे मूल रूप से हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म को म्यूजिक की बात करें तो सुधाकर शर्मा ने लिखा था और फिल्म को कुमार शानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। फिल्म को तनिष्क बख्शी ने रिक्रिएट किया था और चालबाज फिल्म का गीत बीमार दिल, इस सॉन्ग को मूल रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा म्यूजिक में इंक्लूड की गई थी। फिल्म को टोटल 5 गाने को मूवी में इंक्लूड किए गए हैं, जिस पर बॉक्स ऑफिस या फिल्म पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 8 करोड़ और टोटल वीकेंड में इस मूवी ने टोटल 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन कम ही होती जा रही थी और 23 दिसंबर 2019 तक भारत में कुल 39 करोड़ और विदेशों में कुल 9 करोड़ के साथ कुल कमाई के साथ इस फिल्म की विश्वव्यापी संग्रह 49 करोड़ बतलाई जाती है। और फिल्म को इसी के साथ में इसे रिलीज करी गई थी। फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी रहती है और मूवी एंटरटेन हमें करती है, लेकिन यह ओवरऑल यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स क्रिएट किए गए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करती है। इस मूवी में अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी भरी फिल्म बन जाती है और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। फिल्म को ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी पब्लिक के द्वारा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट की गई थी।